बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पापड़ी चाट। पापड़ी चाट में जितनी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी, जितने इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ करूँगी, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो जितनी चीज़ पसंद करते हैं वो हिसाब से ऐड कर लें। ये फुलकियाँ जो हैं इस साइज़ की होनी चाहिए। मोटी मोटी होंगी तो वो फिर नहीं सही होंगी, इस साइज़ की होंगी तो वो बहुत अच्छी रहती हैं। ये घर में इजी बन जाती हैं। पापड़ी चाट बनाते बनाते मैं अपने पौधों की भी वीडियो बना रही हूँ साथ। पहले हम ऐड करते हैं ये बूंदी। इसमें हम ऐड करते हैं दही। इसके ऊपर ये 1 टीस्पून चाट मसाला, इसके ऊपर ये चने, चने थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं, पहले मैंने चेक किए हैं तो थोड़े से मुझे कच्चे लगे, फिर मैंने रखे हैं तो थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं। दही जो मैंने फेंट के रखा हुआ है थोड़ा सा मैं साइडों पे ऐसे ऐड करती हूँ जैसे डोंगे में खूबसूरत लुक आए। अब हम ऐड करते हैं आलू, ये जो मैंने बॉयल करके काट के रखे हुए हैं। के ऊपर 1 टीस्पून ये चाट मसाला ऐड करती हूँ। अब ये नमक पारे, बहुत इजी बन जाती है और बहुत मज़े की बनती है। नमक पारे भी तकरीबन घरों में होते ही हैं, ना भी हों तो घर में जल्दी जल्दी बंदा बना लेता है। ऐड करते हैं ये रेड स्वीट चिली सॉस, ये इस साइड पे दही ऐड कर रही हूँ। आलू के पीसेस जो हैं इनसे मैं थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ। पापड़ी चाट बनाते बनाते साथ साथ पौधों की भी वीडियो बना रही हूँ, तो ईद पे मीट की रेसिपी बना बना के खा खा के तो बंदे का दिल करता है कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट बनाए।
इसके लिए मैंने कहा चले ये पापड़ी चाट मैंने बनाई थी, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा मैं आपको भी रेसिपी दे देती हूँ, बहुत इजी है और बहुत मज़े की बनती है। ये देखें जी पापड़ी चाट रेडी है, बहुत मज़े की बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी पापड़ी चाट की रेसिपी पसंद आए, अल्लाह हाफिज़।